नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्हें कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का नाम लेते ही अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी एक स्पीकर जो है शिवानी दीदी, वो उनका नाम सबसे पहले आता है। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी की एक शिक्षिका भी है शिवानी जी। चलिए इनसे बात करते हैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में विस्तार से। सबसे पहले मैम, आपका एसके लाइफ में हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप ओम शांति जो है वो क्यों बोलती है और इसके पीछे क्या राज है, और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी की उत्पत्ति कैसे और कब हुई इस बारे में। ओम शांति का मीनिंग है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम मतलब अहम आत्मा एंड शांति इज पीस। तो हर बार जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो जो हमारा ग्रीटिंग है ब्रह्मा कुमारीज में वो है ओम शांति, आई एम अ पीसफुल सोल। और ब्रह्मा कुमारीज की शुरुआत हुई 1937 से हैदराबाद सिंध में, जो अब पाकिस्तान में है। तो दादा लेखराज जी, जो उस समय उनकी आयु 60-65 वर्ष के करीब थी, और वो परिवार के साथ रहते थे और हीरों के व्यापारी थे, लेकिन उनको परमात्मा के द्वारा साक्षात्कार हुए इस सृष्टि परिवर्तन के लिए। और फिर परमात्मा ने जैसे उनका आधार लेकर ये ज्ञान देना शुरू किया कि कैसे हम अपने आप को पहचाने, आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को पहचाने, और अपने संस्कारों के परिवर्तन से इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करें। तो जैसा कि हमने जाना कि ओम ब्रह्मा कुमारी के बारे में हमने जाना मैम से, तो साथ ही साथ मैम जानते हैं कि बहुत सारे जितने भी सेंटर्स हैं ब्रह्मा कुमारी में, उसमें महिलाएं जो है वो दीदी लोग ज़्यादा देखी जाती है, और जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो उनके सपोर्ट करते हैं, इसके पीछे क्या राज है। ब्रह्मा कुमारीज में भाई और बहन बराबर के हैं, उतने ही नंबर्स में हैं, लेकिन जो सेंटर का संचालन होता है वो बहनों के द्वारा होता है। क्योंकि परमात्मा ने जब दादा लेखराज जी का आधार लेकर इस संस्था की स्थापना शुरू की, दादा लेखराज जी का नाम फिर रखा ब्रह्मा बाबा, और उनके द्वारा जो संचालन का कार्य है वो बहनों के लिए रखा। और वो भी 1937 में, जब बहनों का समाज में जो रोल था वो उतना आगे नहीं था। तो उस समय पर, क्योंकि बहनों के अंदर पालना देने का संस्कार है, और पालना देकर ही किसी आत्मा के संस्कारों को बदला जा सकता है, तो परमात्मा ने शुरू से ही बहनों को मेडिटेशन सिखाना, सेंटर संभालना के कार्य में आगे रखा है। मैं मेडिटेशन के माध्यम से लोग अपने क्रोध में काबू किस तरीके से पा सकते हैं, और मेडिटेशन करना क्या चक्र होती है, क्या क्रम है, इसके बारे में अगर आप बताएं। मेडिटेशन मतलब आत्मा को शक्तिशाली बनाना। आत्मा मतलब मन, बुद्धि और संस्कार। आज हमारा मन नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, बुद्धि राइट डिसीजन नहीं ले पाती है, और संस्कार हमारे जो ओरिजिनल संस्कार होने चाहिए, प्योरिटी के, प्यार के, खुशी के, वो संस्कार नहीं हैं। तो और हमारे संस्कार बन चुके हैं गुस्से के, चिंता के, डर के। तो क्योंकि आत्मा कमज़ोर है इसलिए संस्कार बदल गए। मन अच्छा सोचने की बजाय नेगेटिव जल्दी सोचता है। तो मेडिटेशन मतलब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ। जब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। जब आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, मन सही सोचने लगेगा, बुद्धि सही डिसीजन लेगी, संस्कार जो आत्मा की ओरिजिनल है वो वापस इमर्ज हो जाएंगे। तो गुस्सा आत्मा का संस्कार नहीं है, शांति आत्मा का संस्कार है। लेकिन जैसे शरीर जब कमज़ोर होता है तो बीमार हो जाता है, लेकिन हेल्थ शरीर के लिए नेचुरल है, ऐसे ही आत्मा के लिए शांति नेचुरल है। लेकिन क्योंकि आत्मा कमज़ोर है तो गुस्सा करती है, मेडिटेशन करके जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो आत्मा वापस पीसफुल हो जाती है जी। तो हम लोग जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है या फिर लोगों में ऐसा भ्रम देखा जाता है कि लोग ब्रह्मा कुमारी में आने से सोचते हैं कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बनाया जाता है, इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है। यहाँ पर हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के अंदर 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
और ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि पांच विकार जो होते हैं वो नरक का द्वार है। नरक का द्वार है मतलब ये पांच विकार हमारे जीवन को नरक बनाते हैं। नरक मतलब कलह, कलेश, दुख, अशांति। एंड हम सबको पता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो राजयोग मेडिटेशन का जो एम है वो है इन पांच विकारों पे जीत पाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन पांच विकारों पर जीत पाने के लिए पवित्रता की धारणा या ब्रह्मचर्य की धारणा एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। और हम सब जानते हैं कि हमारे संत, महात्माएं, सन्यासी सब ने ब्रह्मचर्य की पालना की है, तब उन्होंने जाकर उस स्थिति को पाया है। तो ब्रह्मचर्य की पालना प्योरिटी आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है और ये कोई भी करके देख सकता है। तो जब हम सेंटर पर आते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं, हमें कुछ बातें समझ में आती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हर एक के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि ब्रह्मचर्य, जैसे कि सात्विक भोजन खाना, रोज़ मॉर्निंग मेडिटेशन करना। जब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं तो जो लक्ष्य हमने लिया है उसको हम प्राप्त करने की एक जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। तो इट्स नॉट कि भाई बहन बनाया जाता है, इट इज़ जस्ट दैट हमें आकर समझ में आता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद हर एक की चॉइस है वो उसको कब और कैसे धारण अपने जीवन में करना चाहे। संस्था लोगों के ऊपर वो चीज़ इम्पोज नहीं करती है, लेकिन इट्स लाइक अ डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, पर आप डिसीजन लेते हैं कि आप उसमें से कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें ये शिक्षा मिलती है, उसको पालन करना हर एक की अपनी चॉइस है। जी मैम, तो जैसे कि हमने जाना, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, जानने की हमें मौका मिल रहा है, हमारे दर्शकों को समझने का मौका मिल रहा है। तो अब जैसा कि जानते हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है और कहा जाता है कि आगे चलकर जो मनुष्य है वही देवी देवता के रूप धारण करते हैं, इसमें आप क्या विचार देंगे? कलयुग का अंत मतलब क्या? कि कलयुगी संस्कारों का अंत। कलयुगी संस्कार मतलब कौन से? अहंकार, ईर्ष्या, डर, नफरत, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये कलयुगी संस्कार है। और सत्युगी संस्कार मतलब क्या? पवित्रता, प्यार, एकता, सम्मान, शांति। तो जब आत्मा संस्कारों को बदलेगी तो वो कलयुगी संस्कारों से सत्युगी संस्कारों की तरफ जाएगी। कलयुगी संस्कार मतलब इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, सत्योगी संस्कार मतलब इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा क्या है वो पता ही नहीं होता। मनुष्य आत्मा की प्रकृति क्या है? देना। जैसे प्रकृति में भी सब कुछ देती है, पानी देता है, वृक्ष देता है, कुछ लेता नहीं है हमारे से, सिर्फ देता है। इसी तरह मनुष्य आत्मा की जो प्रवृत्ति है वो भी देना है। तो जो देता है उसको दिव्य आत्मा कहते हैं। लेकिन आज कलयुग में आते आते हमारे पास देने की ताकत नहीं है, तो हम सब कुछ मांगते हैं, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। जब हम अपने आप को मेडिटेशन से पावरफुल बनाते हैं, शक्ति भरते हैं, तो हम प्यार मांगते नहीं हैं, सम्मान मांगते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो देने वाली आत्मा को दिव्य आत्मा कहा जाता है, सत्योगी आत्मा, उसी को हम कहते हैं देवी देवता। जी, तो लोगों को कुछ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि भगवद गीता और ब्रह्मा कुमारी की गीता ज्ञान में कुछ अंतर है, ये आप कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं होता, परमात्मा का ज्ञान है। हम परमात्मा का ज्ञान रोज़ स्टडी करते हैं, उसको हम मुरली कहते हैं। और ब्राउन टाबू से ये मुरली हर सेंटर पर पहुंचती है और हर सेंटर से फिर हम उस मुरली को रोज़ स्टडी करते हैं। कभी भी ज्ञान में कोई चीज़ को कंपैरिजन नहीं होता है, परमात्मा का ज्ञान है, उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके साथ फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं। जी मैम, और हम जानना चाहेंगे कि सभी धर्म को एक बनाती है ब्रह्मा कुमारी, यहाँ पे कोई धर्म का, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता, तो इस बात में आप क्या कहने चाहेंगे? आत्मा है, आत्मा ज्ञान पढ़ती है, स्टडी करती है, मेडिटेशन करती है। तो आत्मा स्टडी करने के लिए यहाँ आती है और वो स्टडी एक स्पिरिचुअल स्टडी है कि मैं कौन हूँ और मुझे किस संस्कारों के साथ जीवन जीना है। तो ऑब्वियसली हर एक आ सकता है,
चाहे वो कोई भी आयु का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो। जैसे हम सब लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जब स्कूल जाते हैं तो उसमें ये मतभेद तो नहीं होता कि कौन कौन से रिलीजन का है, कौन कौन से कास्ट का है। सारे बच्चे इकट्ठे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे ही हम सारे बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। जी मैम, अभी जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या अनमोल वचन देना चाहेंगी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिवानी मैडम बहुत ही अच्छा बोलती है और आपको सुनने के लिए जो है वो बहुत ही लोग उत्सुक रहते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी और जो आज की यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम सब चिंता, तनाव, गुस्सा, इन चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और हमने सोचा ये जीवन का एक हिस्सा ही है। और फिर जब ये जीवन में आ जाते हैं तो खुशी के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हम पीते हैं, जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं, हमें लगता है उनमें ही कहीं खुशी मिलती है और उसके लिए हम कई बार ऐसी चीज़ें करना शुरू करते हैं जो हमारे लिए सही भी नहीं है, क्योंकि हम खुशी को ढूंढ रहे हैं। तो हम ढूंढते रहते हैं हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से खुशी मिलेगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हर रोज़ अपने लिए एक घंटे का समय रखना है, क्योंकि जब तक, जैसे एक फ़ोन है उसको अगर चार्ज नहीं करेंगे तो सारा दिन यूज़ कैसे करेंगे। इसी तरह जो मन है, आत्मा है, उसको चार्ज नहीं करेंगे तो सारा दिन यूज़ कैसे करेंगे। तो एक घंटा अपने लिए रखें। ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर, जहाँ भी आप रहते हैं, आपके नज़दीक हैं, सेंटर पर आएंगे, दीदियाँ आपको मेडिटेशन भी सिखाएंगी। सेंटर पर आकर 7 दिन का कोर्स होता है सेंटर पर, 1 घंटा रोज़, और ये निःशुल्क कराया जाता है। ब्रह्मा कुमारीज़ में कभी भी कोई भी सेवा के लिए कभी भी कोई चार्ज नहीं होता। तो 7 दिन 1 घंटा रोज़, कोई भी आप अपना टाइम फिक्स करें, सेंटर पर आएं, ये मेडिटेशन सीखें और फिर इसको रोज़ करना शुरू करें, आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं। फिर आप जो करेंगे, परिवार को संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे, व्यवसाय को संभालेंगे, जो भी करेंगे एक पावरफुल आत्मा होकर करेंगे तो सफलता निश्चित है। जी मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। मैम, हम एक मैसेज अपने चैनल के लिए चाहते हैं आपसे कि हमारा चैनल जो है अभी अभी 1 साल संपूर्ण किया है और हमारा 3 लैंग्वेजेस में न्यूज़ चलता है, हिंदी, बंगला, नेपाली में, और उत्तर बंगाल की अभी नंबर 1 पर चल रही है। तो आप हमारे चैनल के लिए क्या शुभवार्ता देना चाहेंगे? न्यूज़ चैनल का रोल होता है कि विश्व में, देश में या उस प्रांत में जो हो रहा है वो सब तक पहुंचाए। लेकिन हमारी ये भी जिम्मेवारी बनती है कि सब कुछ जो अच्छा हो रहा है वो भी लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि लोग जो सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका डायरेक्ट उनकी सोच पर असर होता है। जब हम ज़्यादा वो चीज़ें कवर करते हैं जो सही नहीं हो रही हैं, तो जो सही नहीं हो रहा है वही अगर मैं बार बार सुनूं, पढूं, देखूं, तो मेरी सोच वैसी बनती जाती है, और जैसी मेरी सोच बनेगी समाज में वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि समाज में अच्छाई और बढ़े, तो फिर न्यूज़ चैनल की जिम्मेवारी है कि वो अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। तो सुबह सुबह वो उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनकी सोच बदल जाएगी और फिर वो अच्छे कर्म और करेंगे, अच्छी चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। थैंक यू मैम। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि एक कुछ अनमोल वचन सबके लिए दीजिए ताकि सब लोग लाभान्वित हो हमारे चैनल के माध्यम से। अनमोल वचन परमात्मा के होते हैं और इसीलिए हम रोज़ परमात्मा के ज्ञान को स्टडी करें। दिन की शुरुआत सात्विक होनी चाहिए, खुश रहना, शांत रहना, सबको अनकंडीशनल प्यार देना, ये बहुत ईजी है मनुष्य आत्मा के लिए, लेकिन अपना ध्यान रखना उसके लिए ज़रूरी है। तो हर रोज़ थोड़ा सा समय अपने आप को दें, सेंटर पर आएँ, मेडिटेशन सीखें, ज्ञान को रोज़ स्टडी करें और जीवन को कलयुग से सत्युग बनाएं। बहुत ही अच्छा लगा मैम से बात करके, और आप सभी, मुझे ये ज़रूर आशा और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे इस आज के कार्यक्रम के द्वारा, और मैम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा सा वक्त दिए, जिससे हमारे दर्शक बहुत ही खुश हुए होंगे। तो आप सभी ऐसे ही तथ्यों के लिए और समाचारों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।
अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। Apollo Clinic expertise closer to you. Apollo Clinic now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood test, USG, echocardiography, TMT and PFT including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave near Don Bosco Moor, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri. Mobile number 89002933111.